जी दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मेरा ऑफ स्टार्स 2020। दोस्तों आज हम आप लोग को परसेंटेज के बारे में बताने वाले हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो दोस्तों हम बताते हैं कि परसेंटेज का जो मतलब होता है कि किसी भी अगर संख्या का परसेंटेज पूछेगा तो उसका 100 मतलब 100वां भाग, मतलब ये बोलेगा कि एक्स परसेंट, तो एक्स परसेंट का मतलब हुआ कि एक्स का जो है उसका 100वां भाग है। कौन सा भाग है? 100वां भाग है। मतलब किसी भी संख्या का अगर परसेंटेज जब पूछता है तो उसका 100 भाग, मतलब कि इसके बराबर 100वां भाग कौन सा होगा, वह इसी को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। और हमारे कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन परसेंटेज से नहीं देता है। इसके लिए हम लोग बहुत से पार्ट को करके आपको हम वीडियो अपलोड करेंगे। जैसे आप लोग को हम आज सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट बताएंगे परसेंटेज के बारे में, छोटा छोटा सा। अब देखिए, अगर ऐसे हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाने के चक्कर में पढ़ करके छोटा एग्जाम में छोटा भी क्वेश्चन को छोड़कर आते हैं, कितने भी बच्चे होते हैं कि छोड़कर आते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि कंसेप्ट उसको पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट कि परसेंटेज को पहले हम कैसे निकालते हैं। जैसे आपको बोला जाएगा कि इतना रुपया कितना परसेंट कितना होगा, इतना का इतना परसेंट कितना होगा, तो इसी में क्या होते हैं बच्चे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए, जैसे हम सबसे फर्स्ट में चलेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है। अगर 100 रुपया है आपके पास तो कोई बोलेगा 100 रुपया का 1% कितना होगा, 100 रुपया का 1% कितना होगा। तो क्या करते हैं हम लोग कि 100 रुपया का 1% कितना होगा, तो हम लोग पहले ऐसे बनाते कि 100 का 1% मान रहे थे हम लोग, कितना मान रहे थे x का। तो 1% जब हम लोग मान रहे थे इसको, तो 1% हम लोग कर रहे थे बराबर में ऑन, तो ऐसे ऊपर जा जा रहा था 100 और इधर में 100 कर जा रहा था तो 1 बच रहा था। लेकिन इतना लंबा हमको नहीं करना है, 9 पिन लगाएंगे और उसका आंसर दे देंगे। तो देखिए, अगर किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 50 है, सपोज संख्या 50 है, तो किसी भी अगर संख्या को हमको, देखिए इसमें 2 टर्म इसको याद करना है, यानी को एक हम 10% याद करेंगे और नहीं तो 1% याद करेंगे। 10% और 1% याद करेंगे तो किसी भी संख्या को परसेंटेज कितना भी हो उसको हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 50%, तो ये ध्यान देना है किसी भी संख्या को अगर दाहिने साइड से लेफ्ट की तरफ, मतलब दाहिने से बाएं की तरफ यदि हम 1 अंक जाएंगे तो वो 10% होता है। अगर 1 अंक जाएंगे तो 10% होता है, और यदि हम 2 अंक चले जाएंगे तो वो कितना होता है, वो 1% होता है। 1 अंक जाएंगे तो 10% होता है और 2 अंक जाएंगे तो 1% होता है। तो जैसे दोस्तों मान लीजिए कि आपको यहीं पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि 50 रुपया का 10% कितना होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, ना कलम लगाना है ना कुछ, थोड़ा सा माइंड लगाना है सिर्फ कि दाहिने साइड से 1 अंक के बाद दशमलव को बैठा दो तो कितना बचा, 5.0। तो दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है तो कितना हुआ, 5। मतलब कि 50 रुपए का 10% कितना हुआ, 5 रुपया। आगे समझ में, जैसे मान लो कि आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि 100 रुपया का 3% कितना होगा। देखिए तो 100 पर यानी कि सबसे पहले हम 1% निकालते हैं, तो 1% निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1% निकालने के लिए दाहिने साइड से कितने अंक जाएंगे, तो 2 अंक जाएंगे। तो 2 अंक जाएंगे तो क्या, यहाँ पर पॉइंट बैठ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 1, तो 1% इसका कितना हुआ, 1% बराबर बोल रहा है 1 हुआ, तो 3% बराबर कितना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 रुपया। आ गया समझ में। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 57 रुपया है और बोला कि 57 रुपया का 10% कितना होगा, तो 57 रुपया का 10% कितना होगा, देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे, 10% ना, तो 10% क्या करेंगे यहाँ पर 1.1 अंक, यानी कि 5.70 रुपया। उसके बाद इसमें यहाँ पर बोलेगा आपको कि 97 रुपया का 2% कितना होगा, तो 10 मलों के बाद कितना अंक जाएंगे हम, 2 अंक जाएंगे। तो जब 10 मलों के बाद दाहिने साइड से जब 2 अंक जाएंगे तो 10 मलों के बाद 2 अंक आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.97। तो 0., तो देखिए 1% बराबर, ये बोला कि 1% बराबर 0.97, तो बोला कि तब ये बताइए कि 2% बराबर कितना होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, 0.97 में और 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 2 = 14 और 9 × 18 = 19 और क्या करेंगे, 2 अंक के बाद 10 मलों, मतलब 1.94 रुपया। ऐसे हम लोग को 2 या 3 क्वेश्चन लेकर ऐसे छोटा छोटा टॉपिक लेकर चलते हैं। तो आ गया समझ में, जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोलेगा कि 7 रुपया का, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, 7 रुपया का 13% कितना होगा, तो देखिए कुछ नहीं करते हैं हम, जितना परसेंट बोलेगा
उसको हम मल्टीप्लाई करके और दो अंक के बाद दशमलव, यानी कि देखिए 7 का 13% तो 13 बटा में 100, तो 13 7 91 100 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो अंक है यहाँ पर, दो जीरो है, तो दशमलव के बाद कितना अंक चाहिए, दो अंक, यानी कि 0.91 मतलब 0.91 मतलब 91 पैसा। आ गया समझ में? तो ये भी नहीं करना है कितना भी संख्या, जिसमें आपको बोल दिया कि 11 रुपया 3% कितना होगा, तो 11 3 33 और दशमलव के बाद दो अंक बैठा हो 0.33। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन बोलेगा 97 रुपया का 8%, 8% बराबर, देखिए 97 रुपया का 8% कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 97 में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए तो 8 7 56 की 6 हासिल 5 और 9 8 72 और 72 5 77 और दशमलव के बाद दो दाहिने से दो अंक के बाद दशमलव, यानी कि 7 रुपया 76 पैसा। उसके बाद देखिए अब आपसे बोलेगा कि देखिए अगर यहां से क्या करते हैं, हम यहां से 1% निकाल लिए तो 8% तक निकाल सकते हैं, 9% तक निकाल सकते हैं, 11% निकाल सकते हैं, लेकिन अगर यहां से क्वेश्चन कर देगा कि ये बताइए कि 150 रुपया का 15% कितना होगा, कुछ नहीं करेंगे, पहले 10% निकालिए, देखिए तो यहां से 10% निकालेंगे तो दशमलव यानी 15 रुपया, तो 10% हम 15 रुपया निकालिए तो और 5% तो देखिए तो 10 का आधा 5% कर दिए, तो 10% बराबर बोला ये कि कितना हुआ 15 रुपया, तो अब बोला कि तो 5% बराबर बता दीजिए, देखिए 10 का आधा कितना किया 5, तो 15 का आधा कर दीजिए कितना 7.5 और दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपको 22.5, यानी कि 15% बराबर कितना हो गया 22.5। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि यहां पर 1200 रुपया है, तो 1200 रुपया का बोल देगा कितना 17% कुछ नहीं करते हैं, देखिए डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, या देखिए ये तो आसान है 1200 और मल्टी 17 बटा में कितना हो जाएगा 100, काट दीजिए यहाँ पर और 12 में 17 से देखिए, तो आपको एक और बताने वाला है कि अगर यहाँ पर संख्या हो गया आपको 12 और यहाँ पर हो गया 17 तो मल्टीप्लाई भी करना आसान होता है, देखिए कुछ नहीं करेंगे, ये 17 है तो 17 का पहाड़ा दो बार पढ़िए, तो 17 2 क्या 34 की 4 हासिल 3 और एक बार फिर पढ़िए, तो 17 1 17 17 3 20 मतलब 204। ऐसी जैसे मान लीजिए कि आपके पास 19 रुपया है और 19 का 7% देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 9 7 63 की 3 हासिल 6 और 9 7 7 7 6 कितना होता है 13 और दशमलव के बाद कितना अंक बैठेगा दो अंक के बाद, तो 1.33 रुपया। तो लगता है कि ये भी वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा परसेंटेज का, तो ये हम आप लोग को कल परसेंटेज के बारे में कुछ क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो एग्जाम के व्यू से बहुत से महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।